व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवा। आज है 3 अक्टूबर। आज के बेस्ट करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शानदार तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं तो जैसे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिखता है, वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए। यानी कि बिल्कुल ऐसे इंजॉय कीजिए जैसे कि आप लोग कोई टेस्ट दे रहे हो। इसके बाद में आप लोग कंप्लीट वीडियो की PDF आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप लोगों को देना है, और कल मैं आप लोगों को उसका आंसर दूंगा। और जो लास्ट वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर आप लोगों को आज मिलने वाला है। तो बड़े ही शानदार से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, ये बोला जाता है कि अगर किसी की आप लोग हेल्प करेंगे तो वापस में आप लोगों को इतना मिलेगा कि आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। तो ऐसे ही कुछ यहां पर देखने को मिला। अभी यहां पर एक डॉक्टर है जिनका नाम है इवन अतार अदहा। तो ये एक सर्जन है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और इनको अभी एक यूनाइटेड नेशन के एक अवार्ड से नवाजा गया है। अभी इन्हीं के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले इन सर्जन को आप लोग देख लीजिए। ये है ये पर्सनैलिटी, शानदार तरीके से इन्होंने अपनी लाइफ में, कंप्लीट लाइफ में इन्होंने डेडिकेटेड कर दिया अपनी ड्यूटी के अलावा लोगों की हेल्प करने के लिए। और खासकर किनकी हेल्प की? जो रिफ्यूजी थे। रिफ्यूजी कौन होते हैं? जो अपने एरिया से किसी रीजन की वजह से, या तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट हो गया या फिर वहां पर कोई ऐसी आपदा आ गई जिसकी वजह से उनको वहां से रिप्लेस होकर दूसरी जगह जाना पड़ा, उनको बोलते हैं रिफ्यूजी। तो इन्होंने रिफ्यूजी के लिए इतना काम किया, एक तरीके से उनके लिए भगवान बन गए, और डॉक्टर को तो वैसे ही भगवान बोला जाता है। तो यहां पर यह है पर्सनैलिटी, इनको अभी ये अवार्ड मिला है। तो अवार्ड का नाम और पर्सनैलिटी का नाम दोनों आप लोगों को नाम रखने हैं याद। यहां पर अवार्ड का नाम है, यहां पर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ये है नसीन रिफ्यूजी अवार्ड। ये अवार्ड यहां पर दिया गया इनको, जो अभी ये अवार्ड दिया गया, इन्होंने काम कहां पर किया है ये देखिए। ये आप लोग नाइल रिवर का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। नाइल रिवर की यह है ब्लू नाइल और यह है व्हाइट नाइल, दोनों आकर मिलती है खारतून में, और ये निकलती है लेक टना से और ये निकलती है लेक विक्टोरिया से। तो यहां पर इसके आसपास वाले एरिया में, खासकर सूडान में पर्टिकुलर एरिया में जो भी लोग रहते थे, जो रिफ्यूजी बन गए थे अलग अलग रीजन की वजह से, उनको हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अवार्ड एक तरीके से आउटस्टैंडिंग सर्विस अगर आप लोग रिफ्यूजी के लिए प्रोवाइड कराते हैं तब ये अवार्ड यहां पर दिया जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। और खासकर जिस तरीके से रोहिंग्या वाला इशू चल रहा है, और हमारी कंट्री में भी लगभग 40,000 रोहिंग्या हमारी कंट्री में भी आज की डेट में है, बांग्लादेश में आप लोग बहुत सारे रिफ्यूजी देख सकते हैं लगभग 6 लाख के करीब, तो इस तरीके के अवार्ड के क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। इन्होंने जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कराई है ये सूडान वाले एरिया में, और आसपास वाले जो ब्लू नाइल वाला स्टेट है उसके आसपास वाले एरिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड कराई है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो आंसर हो गया सी, ब्लू नाइल वाला रीजन आप लोग देखते हैं, ये हो गई यहां पर ब्लू नाइल जो कि लेक टना से निकल कर आती है, और व्हाइट नाइल हो गई जो कि लेक विक्टोरिया से निकल के आती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ये रेड सी हो गया और ये हो गया मेडिटेरेनियन सी। ओके, तो आंसर क्या हुआ हम लोगों का आंसर हो गया यहां पर सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बात की जा रही है इंडियन हॉकी की। इंडियन हॉकी के बारे में बोला जा रहा है कि अभी 18 मेंबर की इंडियन टीम 5th एडिशन जो एशियन गेम होने वाले हैं यहाँ पर, ये हॉकी चैंपियनशिप 2018 की जो ट्रॉफी होगी उसको हमारी कंट्री को जो यहाँ पर लीड करेंगे, ये करेंगे इंडियन सरदार सिंह, जो इंडियन कैप्टन यहाँ पर सरदार सिंह इसको लीड करेंगे। क्या स्टेटमेंट सही है अभी आगे देखेंगे। ये यहाँ पर होने वाला है ओमन में मस्कट है, जिसकी कैपिटल यहाँ पर होने वाला है 18 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक, यानी कि 10 दिन में चलने वाली है। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, पर लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्यों? क्योंकि सरदार सिंह रिटायर हो चुके हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। सरदार सिंह रिटायर हो चुके हैं, और जो अभी यहां पर लीड करने वाले हैं टीम को, यह है मिडफील्डर मनजीत सिंह, जो कि यहां पर आप लोगों को पिक्चर में नजर आ रहे हैं। तो सरदार सिंह रिटायर हो चुके हैं और यहां पर ये अब हमारी टीम को लीड करेंगे। और सरदार सिंह के रिटायरमेंट होने के बाद में फर्स्ट ये टूर्नामेंट ऐसी है जहां पर मनजीत सिंह लीड करने वाले हैं, तो इसलिए भी काफी इंपॉर्टेंस इस टूर्नामेंट की आप लोग बोल सकते हैं। आइए एक बार एरिया देख लेते हैं जहां पर ये टूर्नामेंट होने वाली है। ये हो गई हमारी प्यारी पृथ्वी, बीचों बीच हमारा प्यारा भारत। यहां पर आप लोग चलेंगे वेस्टर्न साइड में तो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये हो गया ओमन। ठीक है, देखिए हमारे काफी पास में अगर आप लोग देखते हैं यहां पर, ये हो गया ओमन, और इसी के नाम पर गल्फ ऑफ ओमन देख सकते हैं, और ये हो गया पर्शियन गल्फ, ऊपर ईरान हो गया, यहां हो गया अफगानिस्तान, और ये हो गया हमारा लंगोटिया यार पाकिस्तान। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप लोग इस पर्टिकुलर रीजन को, अगर कोई क्वेश्चन बने तो पता होना चाहिए आप लोगों को। तो इस तरीके से आंसर हो गया हमारा, ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। आगे बढ़ते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए। क्या है बात अभी यहां पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि कई इंसानों की जान बचा सकता है ये क्वेश्चन। जी हाँ, सही सुना है आप लोगों ने जो बोला अभी मैंने। यहां पर बात की जा रही है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के बारे में। कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा अभी पास किया गया यहां पर कर्नाटका गुड स्मार्टन एंड द मेडिकल प्रोफेशन प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन बिल 2016। बड़ी सी बात लिख दी गई है, आप लोग ये पल्ले नहीं पड़ी होगी, अब डिटेल में बताता हूं आप लोग इसको समझ पाएंगे। अगर आप लोग रास्ते में कहीं पर जा रहे हैं और रास्ते में किसी कोई एक पर्सन था और उसकी वाइफ या बच्चा भी था और उनका एक्सीडेंट हो गया और उनकी हालत काफी गंभीर है, उनकी बॉडी से खून बह रहा है, तो स्टार्टिंग का जो टाइम फेज होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर
अगर उस टाइम पर आप लोग उनकी हेल्प करते हैं, अगर उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं, तो आप लोग बच्चा, बीबी और यहां पर जो हस्बैंड है, मतलब तीनों की आप लोग जान बचा सकते हैं यहां पर। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहां पर, इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टार्टिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उस टाइम पर अगर उनको कोई हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचाएगा तो उनकी जान चली जाएगी। तो देखिए इसी को यहां पर एक तरीके से प्रमोट करने के लिए कर्नाटका गवर्नमेंट आगे निकल कर आई और उन्होंने इसी को लिए यहां पर बात की गई है। जो लोग यहां पर पहुंचाते हैं उन्हें बोलते हैं, उनका नाम आप लोग याद रखेगा, उनको बोलते हैं स्मेरिटन, ठीक है ना। यानी कि अगर आप लोग यहां पर उनको पहुंचा रहे हैं हॉस्पिटल तक तो आप स्मेरिटन होंगे। पर लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है बहुत सारे लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं, बोलते हैं नहीं हम हाथ नहीं लगाएंगे, पुलिस केस बन जाएगा, पुलिस के चक्कर काटने पड़ेंगे, ऊपर से पता नहीं कितनी प्रॉब्लम हम लोगों को झेलनी पड़ेगी, टाइम का टाइम बर्बाद होगा, मनी की मनी बर्बाद होगी, बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे और ऊपर से और भी कई सारे झंझट पड़ेंगी। तो लोग क्या करते हैं इसकी वजह से इसको छोड़ देते हैं। पर लेकिन यहां पर इसी चीज को प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए कि लोगों की जान बच जाए, यहां पर ये फंडा निकल के लेके आ रहा है। अगर कोई यहां पर हेल्प करता है तो उसके एक तो अलग से सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाएगी, दूसरी उसको एक फाइनेंशियल सपोर्ट भी रहेगी और पुलिस का चक्कर भी उसको नहीं लगाना पड़ेगा यहां पर, अगर इस तरीके से हेल्प करता है वो पर्सन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, खासकर हमारी सोसाइटी को साफ रखने के लिए बात की जा रही है। यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा भी रिसेंटली लॉन्च किया था हैशटैग लू रिव्यू कैंपेन, आखिर क्या था ये, तो इसके बारे में यहां पर बात की जा रही है और किसके साथ मिलकर यहां पर ये लॉन्च किया गया है। तो यहां पर ये जो लॉन्च किया गया है ये मिलकर साथ किया गया है गूगल के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। देखिए यहां पर गूगल मैप पर अब आप लोग सर्च कर पाएंगे कि आपके नियरेस्ट टॉयलेट कहां पर है, ताकि आप लोग जाकर उसको यूज कर सकें। नॉर्मली दीवारों पर जो इंडियन मैप बनाए जाते हैं, फिर दूसरी कंट्री के मैप बनाए जाते हैं, यानी कि जो दीवारों पर टॉयलेट किए जाते हैं, उससे यहां पर छुटकारा मिल पाएगा और कहीं ना कहीं एक सफाई भी रहेगी, जो कि आज के दिन आप लोगों को देखने को मिलती है। कई बार कई शानदार लाइनें लिखी रहती हैं दीवार पर कि यहां पर पेशाब करना मना है और नीचे एक डायलॉग भी लिखा रहता है, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कई बार। तो देखिए कहीं ना कहीं ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस तरीके की चीजों को आप लोगों को करने से रोकना है, क्योंकि अगर आप लोग ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो फिर देखिए जो आसपास में लोग है, कोई बच्चा अगर देख रहा है तो वो भी आगे फ्यूचर में ऐसा काम आसानी से करेगा, क्योंकि देखता है कि बड़े कर रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें गूगल की तो यहां पर सीईओ सुंदर पिचाई है और ये एक इंडियन है, तो इसलिए भी आप लोग इनको याद रखते हैं। और यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा यहां पर ये काम किया जा रहा है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। कौन है यहां पर मिनिस्टर, ये हरदीप सिंह पुरी, ओके। और हाँ, इसके साथ में और यहां पर यूनियन मिनिस्टर है कौन, नरेंद्र सिंह तोमर। आगे बढ़ते हैं, तो आज की डेट में जिस गूगल मैप पर आप लोग वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते हैं, दुनिया की डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखते हैं, उसी पर अब आप लोगों को टॉयलेट भी दिखाई देंगे। तो काफी शानदार कॉन्सेप्ट आप लोग बोल सकते हैं, एक स्वच्छ भारत मिशन का पार्ट आप लोग इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। अभी एक हिंदी कमेंटेटर थे, नाम काफी इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर याद रखिएगा, नाम था जसदेव सिंह। जसदेव सिंह की अभी डेथ हुई है न्यू दिल्ली में, और ये इतनी शानदार पर्सनैलिटी थे, उन्हें कहते हैं वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, जिस फील्ड में डाल दे उसी में घुस जाए, एक तरीके से किसी की भी कमेंट्री इनसे करा लीजिए, ये हर एक फील्ड की कमेंट्री करते थे। तो इन्हीं के बारे में जिक्र किया जा रहा है यहां पर, एक्सीलेंट कमेंटेटर थे ये, और इनके द्वारा ऐसी जगह भी कमेंट्री की गई है, मैं पढ़कर भी इसको थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गया। नॉर्मली देखिए अगर कोई क्रिकेट के लिए कमेंट्री करता है उसका एक अलग लहजा होता है, अगर उसको बोला जाए किसी और दूसरी चीज में कमेंट्री करने के लिए तो थोड़ा सोचेगा, थोड़ा सा झिझकेगा कि यार पता नहीं किस तरीके से कमेंट्री की जाएगी और क्या होगा। पर लेकिन इन्होंने वो एक ऐसा मुकाम यहां पर अचीव किया जो कि शानदार तरीके से इन्होंने हर फील्ड में कमेंट्री की, तो दोनों ही स्टेटमेंट इनके लिए सही है। अब आगे थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं, आखिर कहां कहां पर इन्होंने अपना ये इस तरीके से कारनामा करतब दिखाया। इनके द्वारा ऑल इंडिया रेडियो, क्रिकेट, इसी के साथ में फुटबॉल, इसी के साथ में यहां पर सबसे शानदार बात है इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे पर जो ऑफिशियल यहां पर कमेंटेटर होते हैं वहां पर भी इन्होंने काफी लंबे समय तक ब्रॉडकास्ट किया है। इसी के साथ में ओलंपिक, लंदन ओलंपिक, इसी के साथ में एशियन गेम, तो ये तमाम एरिया में कमेंट्री कर चुके हैं। तो समझ सकते हैं आप लोग कितने वर्सेटाइल पर्सनैलिटी थे। तो इनका भी डेथ हुई है, पद्मश्री मिला था 1985 में, पद्म भूषण मिला था 2008 में, ठीक है। तो इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ओके। आइए अब आगे बढ़ते हैं, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया सी और नाम है जसदेव सिंह। आगे चलते हैं, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती बढ़ती जा रही है और उसका उदाहरण है आप लोगों के सामने यहां पर, फर्स्ट टाइम वर्ल्ड में किसी एक कंट्री ने यहां पर टेस्ट ट्यूब टेक्नोलॉजी से यहां पर बर्थ दिया है लोयन के कब को। देखिए यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, नॉर्मली टेस्ट ट्यूब बच्चे का नाम आप लोगों ने सुना था इंसानों के अंदर, अब यहां पर जानवरों के अंदर भी टेस्ट ट्यूब बेबी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी का ही कारनामा, इस तरीके से चीजें आगे बढ़ती जा रही है। ये कारनामा किया गया यहां पर किसके द्वारा, साउथ अफ्रीका के द्वारा यहां पर यह कारनामा किया गया और वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री साउथ अफ्रीका ऐसा करने वाली बन गई है। और इनके दोनों के नाम भी आप लोग याद रखते हैं, एक का नाम है विक्टर और एक का नाम है इजाबेल, ठीक है। तो दोनों के नाम भी आप लोगों के सामने हैं। तो देखिए काफी शानदार आप लोग इसको बोल सकते हैं कि इस तरीके से टेक्नोलॉजी यहां पर यूज की जा रही है। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा जिस तरीके से कई सारी जो प्रजाति हैं जो विलुप्त होती जा रही थी, कहीं ना कहीं उनकी संख्या बढ़ाने में फायदा यहां पर मिल पाएगा। अगर इस तरीके से टेक्नोलॉजी यहां पर यूज करते हैं तो एक फूड चेन जो होती है हमारे एनवायरमेंट में उसको भी हम लोग मेंटेन रख पाएंगे। तो काफी शानदार तरीके से आप लोग इसका फायदा बोल सकते हैं, ओके। तो याद रखिएगा यहां पर कौन सी कंट्री है, साउथ अफ्रीका।
मैप में भी आप पर एक बार निहार लेते हैं कहां पर है ये, नीचे देखिए यहां पर ये हो गया साउथ अफ्रीका, ठीक है, ऊपर यहां पर हो गया नामबिया, इसके नीचे आ गया हो गया बोस्टवाना, यहां पर हो गया जिम्बाब्वे, ओके, तो ये पर्टिकुलर एरिया है, और यहां पर मोजाम्बिक ये वाला एरिया हो गया, और ये मेडागास्कर आइलैंड वाला एरिया हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात की जा रही है इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेल में अभी फिलहाल यहां पर नई पर्सनैलिटी को यहां पर अपॉइंट किया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोडक्शन फोर्स, नाम क्या है, अरुण कुमार, 1985 के बैच के ऑफिसर्स हैं उत्तर प्रदेश कैडर के, तो यहां पर इनको अपॉइंट किया गया यहां पर डायरेक्टर जनरल ऑफ रेलवे प्रोडक्शन फोर्स। अगर आप लोग रेलवे एग्जाम की तैयारी करें किसी भी एग्जाम की, तो इस तरह क्वेश्चन नॉर्मली पूछ ले जाते हैं डायरेक्ट पर्सनैलिटी बेस्ड, ओके। अगली बात यहां पर क्या बोली गई है, मोटो पूछा गया यहां पर, यानी कि एक आदर्श वाक्य क्या है, आदर्श वाक्य है सेवा और वफादारी, यहां पर मतलब कहने का मतलब है सर्विस एंड लॉयल्टी, इनका आदर्श वाक्य है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट जो पब्लिक सर्विस कमीशन या फिर यूपीएससी की तैयारी करते हैं वहां पर पूछे जाते हैं, तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो आंसर होगी यहां पर सी। इसके अलावा देखिए और भी कई सारी तमाम बातें आप लोग यहां पर याद रखते हैं। अगर बात करें रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की, तो ये देखिए कई तरीके काम करती है, प्रोटेक्ट करने के लिए रेलवे पैसेंजर, इसके अलावा रेलवे वाला एरिया, रेलवे की प्रॉपर्टी, ये सारा काम इनके द्वारा किया जाता है। पावर रहती है अरेस्ट करने की भी, इन्वेस्टिगेट करने की, और प्रोसिक्यूट करने की, जो अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तो। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंदर आती है यहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनकर आ सकता है। तो तमाम ये मोटे मोटे क्वेश्चन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, और कोई क्वेश्चन बने तो आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, और कारनामा आप लोग जान सकते हैं कौन ऐसी कंट्री कर सकता है आज की डेट में। बात की जा रही है यहां पर सक्सेसफुली टेस्ट किए गए हैं 3 मॉडल हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट फर्स्ट टाइम, तो किसके द्वारा किए गए हैं, तो ये आज के में टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो सबसे आगे बढ़ता हुआ सितारा है वो है चाइना। और पहले आप लोगों को यहां पर हाइपरसोनिक के बारे में पता होना चाहिए। हाइपरसोनिक की बात करें अगर स्पीड की हम लोग, तो जो साउंड की स्पीड होती है, तो साउंड की स्पीड का लगभग 5 गुना यहां पर स्पीड अगर आप लोग देखेंगे, तो ये आप लोगों को हाइपरसोनिक की स्पीड यहां पर नजर आ जाएगी। कहने का मतलब यह काफी शानदार स्पीड आप लोगों को यहां पर देखने को मिलने वाली है। जो ये मॉडल यहां पर लॉन्च किए गए, किसके द्वारा लॉन्च किए गए, चाइना के द्वारा, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, साउंड की स्पीड का लगभग 5 गुना। अगला यहां पर एक स्टैटिक क्वेश्चन है, एक हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहां पर इस पर नजर डालते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात की जा रही है यहां पर कल्चर वाले पोर्शन की, हिस्ट्री के बात की जा रही है यहां पर, ही है कामगारी कला, ठीक है, तो इसका नाम आप लोग याद रखते हैं। ये कला के बारे में 2 स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, पहला तो बोला यह गया है कि ये एक फॉर्म है जो वॉल पेंटिंग होती है, और यहां पर ये ओरिजिनेट हुई थी 18वीं सेंचुरी में, ठीक है ना, कहां पर, कच्छ वाले रीजन में, यानी कि गुजरात वाले रीजन में। क्या स्टेटमेंट सही है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी बात बोली गई है कि देखिए अगर आप लोग 2 पेंटिंग उठा के देखेंगे, तो आप लोग एक भी पेंटिंग पहले वाली पेंटिंग के सिमिलर नहीं पाएंगे, यानी कि दोनों में आप लोगों को काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा अगर आप लोग पेंटिंग देखेंगे। तो कुछ ऐसी कलाकारी आप लोग यहां पर देखने को मिलती है, ये जो दीवार पर बनाई जाती है पेंटिंग, पीछे आप लोग दीवार देख सकते हैं, तो दीवार की फॉर्म की पेंटिंग है पहली बात। दूसरी बात यह कि यहां पर इस तरीके की पेंटिंग कोई भी रिपीट नहीं होगी, एक पेंटिंग से दूसरी पेंटिंग में आप लोग कोई पैटर्न नहीं ढूंढ पाएंगे कि हाँ ये पैटर्न है, इस तरीके से पेंटिंग जनरेट की जा रही है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर कि कहां पर जनरेट हुई है, कौन सी सेंचुरी में जनरेट हुई है, किस फॉर्म की पेंटिंग है, और किस तरीके से यहां पर ये पेंटिंग है, ठीक है। तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो गए, यहां पर आंसर हो गया सी, ओके। और आज का आप लोगों का ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को देना है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अभी रिसेंटली इनोग्रेट किया गया मॉडर्न फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटी एंड यहाँ पर है पाइपलाइन प्रोजेक्ट विद द इन्वेस्टमेंट 190 करोड़, तो कौन से स्टेट में यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ये है आप लोगों के लिए क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को देना है। और ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछा था, बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के बारे में, तो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये किया जाता है 2 अक्टूबर, यानी कि महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, अब की बार आप लोग देखते हैं 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी है उसका सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया है, और जो इस साल सेलिब्रेट की गई है ये 149th बर्थ एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की सेलिब्रेट की गई है, तो इसलिए काफी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं यहाँ पर। जिस तरीके से स्वच्छ भारत मिशन की ओर हम लोग दौड़ रहे हैं, और हम लोग काफी अच्छे से यहाँ पर इसको अचीव भी कर चुके हैं, तो ये भी बातें आप लोग याद रख सकते हैं, तो इसलिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आपकी बार बन जाता है, तो याद रखिएगा। और जिस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। इसके साथ में देखिए आप लोगों से यहाँ पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए आप लोगों से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आंसर जरूर दिया कीजिए, तभी यहाँ पर अच्छा भी लगता है मुझे भी कि आप लोग आंसर देते हैं अच्छे से और पार्टिसिपेट करते हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स से जरूर बताइए, सब्सक्राइब करके फैमिली का पार्ट बन सकते हैं, शेयर करना मत भूलिएगा जहां पर भी आप लोग किसी भी अगर एजुकेशनल ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कर रखे हैं व्हाट्सएप या फेसबुक पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।